पिछले कुछ महीनों से देखा जाए तो कांग्रेस एक अलग तरह का स्टैंड और अपनी तैयारियों में लगी हुई है। महागठबंधन की जब जब बात होती है तो कांग्रेस अपने आप को अलग थलग महसूस कर रही है। तेजस्वी यादव से ये नाता और रिश्ता तब खत्म होता नजर आया था जब उपचुनाव हुए थे। उसके बाद से अभी भी तेजस्वी यादव बार बार जब चर्चा करते हैं या उनकी पार्टी के लोग चर्चा करते हैं तो सीधे तौर पर महागठबंधन की बात करते हैं, लेकिन महागठबंधन समाप्ति होने की घोषणा कांग्रेस ने तब कर दिया था जब दो सीटों पे उपचुनाव हुए थे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। उसके बाद से कांग्रेस अपनी तैयारियों में, अपनी शक्ति संचय में लग गई थी। अब हाल फिलहाल में पिछले दो तीन दिनों से जिस तरह से बिहार की राजनीति में चर्चा जबरदस्त थी कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ आने की कवायद में है, जो महागठबंधन का हिस्सा है वो सारे लोग आएंगे। जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही थी उस बात को लेकर के चर्चाएँ जबरदस्त थी। इस बात पर कांग्रेस ने कई बातें कही थी और कांग्रेस ने साफ तरीके से कहा था कि हमारे पास अगर कोई ऐसा मुद्दा आता है तो हम इस पर विचार करेंगे। इन सबके बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस के तरफ से लगातार अपनी शक्ति संचय और बिहार में एक नए तरीके से, नए सिरे से अपनी पार्टी के को संकुचित करने और पार्टी को एकजुट करने का काम चल रहा था। इन सब के बीच में आपने देखा कि किस तरह से जितनी भी बातें हो रही थी उसको लेकर के लगातार प्रेस वार्ता भी हो रही थी और केंद्र से आकर के नेता भी इन सारी बातों को अपने सामने रख रहे थे। जगता बाबू का फैसला राष्ट्रीय जनता दल का फैसला हो सकता है, वो महागठबंधन का फैसला नहीं है। महागठबंधन के नेताओं के साथ यदि कोई बातचीत होती है या फिर उसके लिए हम बैठ करके कोई विचार करते हैं तो इसे महागठबंधन का फैसला माना जाए, लेकिन पिछले काफ़ी समय से महागठबंधन किसी भी तरह की कोई बैठक नहीं हुई है और ना ही हमने कोई बातचीत किया है। हम अलग अपने हिसाब से अपनी रणनीति और राजनीति कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब इस सवाल का जवाब पूछा गया कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार के बीच में नज़दीकियाँ पड़ रही हैं, साथ आने की कवायद चल रही है, इस पर पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता और MLC ने स्पष्ट तरीके से, प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि ये सब मैं नहीं जानता हूं और ना ही मैं इन सब बातों की चर्चा करता हूं। कांग्रेस के वो मालिक नहीं है और ना ही कांग्रेस का कोई स्टैंड क्लियर करने का, कांग्रेस का विचार रखने का उन्हें अधिकार है। वो क्या कहते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ क्यों जाएंगे, उस व्यक्ति के साथ क्यों जाएंगे जो RSS का प्रचार करता हो, RSS को यहाँ बिहार में फैलाने का काम करता हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज को बांटने का काम करता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ हम क्यों जाएंगे। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि भाजपा को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान रहा है। पिछले 16 सालों से नीतीश कुमार यही काम कर रहे हैं, RSS के एजेंडा को लागू करवाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है और उस पर आंख बंद करके नीतीश कुमार रहते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ हमें नहीं जाना है। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि ये मामला किधर जा रहा है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह प्रेस वार्ता करके नीतीश कुमार को और जदयू को अपने साथ आने की, उनका समर्थन करने की, उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के जो कर्ता धर्ता हैं तेजस्वी यादव इन सारे मुद्दों पर एक अलग मत रखते हैं, वहीं कांग्रेस ने तो साफ सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले पर आखिर क्या कुछ होने जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस स्टैंड से साफ है कि कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहती है, कोई अलग स्टैंड और नया तरीका अपना करके वो अपनी रणनीति और राजनीति करना चाहती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।